प्रथम तहलका न्यूज। काम करना किसे कहते हैं, ये रेवाड़ी के जिलाधीश यशेंद्र सिंह से सीखें, जो न केवल सरकार बल्कि आमजन के लिए भी हर वक्त समर्पित है और भारी व्यस्तता के बीच अपने निजी कामों को छोड़कर भी दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। इसी के चलते रेवाड़ी के प्रशासनिक कार्यालयों में उस समय हड़कंप मच गया जब DC यशेंद्र सिंह स्वयं सुबह सवेरे ही विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने के लिए निकल पड़े। इस दौरान हैरान करने वाली बात ये रही कि 2 दर्जन से अधिक कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान 100 के करीब कर्मचारी अपनी सीटों से नदारद मिले। वहीं इस दौरान उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने स्वयं एक एक अधिकारी और कर्मचारी का नाम पूछकर उनकी हाजिरी को चेक किया और जो कर्मचारी सीटों से नदारद मिले उन कर्मचारियों की सूची बनाने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए नगराधीश को मौके पर ही आदेश दिए। मैंने और हमारे अधिकारियों ने विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया प्रातः 9 बजे से 9:30 बजे तक, और जो उसमें एब्सेंटी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। कितने ऐसे कर्मचारी जो सुबह नदारद मिले सीट पर? 50 से अधिक कर्मचारी हैं 15-16 कार्यालयों में जो अनुपस्थित पाए गए। सर क्या माना जाए इस अनुपस्थिति को, किस तरह देखते हैं आप और क्या आगे कहेंगे? उनका स्पष्टीकरण लिया जाएगा तो उसके बाद पिक्चर क्लियर होगी। किसी की हो सकता है कोई जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो और हो सकता है कोई हैबिचुअल एब्सेंटी भी हो, तो जैसा केस टू केस बेसिस पर उनका स्पष्टीकरण लेके और उसके बाद उन पर डिसीजन लिए जाएंगे। तो ये शिकायतों के आधार पर कोई कार्रवाई की गई या फिर रूटीन के अंदर माना? एक दो कार्यालयों की हमें खबर मिली थी कि वहाँ पे लोग लेट आते हैं और पब्लिक सर्विसेज नहीं दे पाते। हमारा जो जिला प्रशासन रेवाड़ी है वो पूरी तरह से इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमें जो पब्लिक को सर्विसेज हैं वो टाइम बाउंड मैनर में ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता से देनी है। आगे कर्मचारियों के लिए क्या निर्देश देंगे सर? आगे तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि समय पे आएं कार्यालय में और काम आकर भी प्रोडक्टिव काम करें और जनता को हम जितनी भी सर्विसेज हैं हमारी, चाहे वो विभिन्न पोर्टल पे ऑनलाइन सर्विसेज हो या ऑफलाइन सर्विसेज हो, वो टाइम बाउंड मैनर में पारदर्शिता से अकाउंटेबिलिटी से तुरंत सर्विसेज दें। तो क्या सर ये जो औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेगा? हाँ, ये समय समय पे होते रहेंगे। लघु सचिवालय भवन में मौजूद कार्यालयों के अलावा अन्य फील्ड कर्मचारियों का भी औचक निरीक्षण किया गया, जिसके लिए 5 अलग-अलग टीमों का गठन किया गया था। DC यशेंद्र सिंह ने हिदायत दी कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी सीटों पर बैठकर निष्ठापूर्वक काम करें और निर्धारित समय अवधि में अपने कार्यालयों में पहुंचे, अन्यथा गैर हाजिर और सीटों से गायब रहने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा और इस मामले में जरा भी लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। प्रथम तहलका के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट।